जो यह अर्धम नंबर वन पर आते हैं और अपने अलवर की भूमि से आते हैं भाई पुरुषोत्तम जी वर्मा साहब पधारे और सबको अपने सब अपने सबको से संबोधित करें। पुरुषोत्तम जी वर्मा साहब धन्यवाद सर। राम राम। सबसे पहले हीरा बोस को धन्यवाद देता हूँ, वो हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। इनके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा कि आप आए हमारे दर पे, खुदा की रहमत है। आप आए हमारे दर पे, खुदा की रहमत है। कभी हम आपको कभी हमारे दर को देखते हैं। बहुत बढ़िया क्या बोला है, बहुत अच्छे साथियों। मैं कुछ लोगों से मिला, कुछ लोग हताश हो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं। उनके दिल में ये आता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि नजर सही रखो। सही का मतलब 6x6 नहीं है, पॉजिटिव से। बहुत बढ़िया। नजर सही रखो, नजारे बदल जाएंगे। और दिल में प्यार रखो, इशारे बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये जो भजनलाल सरकार है इसके इशारे बदलने वाले हैं। अभी ये हमारे प्यार और मोहब्बत को समझ नहीं पा रहे हैं। भजनलाल सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि आपको इश्क नहीं आता और हमें इश्क के सिवा कुछ नहीं आता। बहुत बढ़िया। और दो ही तरीके हैं जीवन जीने के, एक तुमको नहीं आता, एक हमको नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलना तो हमारी जो ये लड़ाई है, हम बहुत ही संवैधानिक रूप से, बहुत ही प्रेम से, सौहार्द से लड़ रहे हैं और हम पीछे हटने वाले कतई नहीं है। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। न्यूज वाले हमसे आके ये पूछते हैं कि 43 दिन हो गए, कब तक और बैठे रहोगे, कितना वक्त और लगेगा। अब ये हम कैसे बताएं वक्त कितना लगेगा, ये तो वो बताएंगे। लेकिन एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो कहते हैं कि आप अगला कदम कब और कैसे उठाओगे, तो उस बात का भी जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि वक्त आने से तुझे बता देंगे आत्मा, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक चीज और सुनो भाइयों, छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके दिल तक पहुंचे तो एक बार ताली बजा देना। आप ब्रांडेड जूते पहनते हैं, बहुत चिकनी सड़क पे चलते हैं और उन जूतों में अगर दो कंकड़ रख दिए जाए तो आपकी चाल खराब हो जाएगी, आप चल नहीं पाओगे। आप लोकल जूते पहन लो, सड़क में गड्ढे होंगे तो आप चल पाओगे। इसलिए आप अंदर से मजबूत हो जाइए, क्योंकि कमी आप में बाहर नहीं है, आप टूट अंदर से रहे हो। हमें टूटना नहीं है, पूरी मजबूती के साथ लड़ना है। और जो आदमी मजबूती से लड़ेगा, हम यहाँ अपनी तकदीर बनाने आए हैं और तकदीर बना के जाएंगे और यहाँ से जाके मुकद्दर का सिकंदर कहलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सभी को पता है, एक चीज सबको पता है कि मृत्यु अचल सत्य है, लेकिन हम जीना छोड़ देते हैं क्या, तब भी जीते हैं अपने अपने तरीके से, आनंद से, प्रेम से। चार लाइन सुनाना चाहता हूँ, सुना दो। सुनो सुनो, बहुत बढ़िया। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा।
रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो भाइयों बढ़िया, अपने जज्बे को कायम रखो, निश्चित ही हम यहाँ से जीत के जाने वाले हैं और जीत के बहुत करीब हैं। मैं जो मैंने उस दिन कहा था कि लड्डू बन के तैयार है, खाने की देरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद साथियों, बहुत बढ़िया, क्या बहुत अच्छा बोला है, क्या बोला है।